गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल सी हाउ द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट हार्ट, वेन एंड आर्टरीज। हम लोग अब तक हार्ट, वेन और आर्टरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। हार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज आउट of heart through the arteries. As the branches of arteries spread in tissue, they become narrower and thinner and are known as blood capillaries. हमारी बॉडी का सबसे सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन होता है हार्ट, जो कि ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज आउट ऑफ हार्ट। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वो ले जाने के लिए होते हैं आर्टरीज। ऑब्जर्व दिस फिगर। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जैसे ही ये आर्टरीज आगे आगे जाती है तो ये इसका ब्रांचिंग होता है और वो पतली हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज का ब्रांचिंग होके क्या फॉर्म होता है, नैरोअर एंड थिनर ब्लड कैपिलरीज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस डायग्राम। दिस ब्लड कैपिलरीज पास बिटवीन सेल एंड व्हेन ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सेल दिस लेड टू एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये जो हमारी हेयर के जैसे पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती है, ये क्या करती है, सेल के अंदर में जब जाती है या सेल के कांटेक्ट में जब वो ब्लड आता है तब क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। ब्लड कैपिलरीज जॉइन टुगेदर फॉर्म अ थिकर पाइप नोन एज वेन। और यही ब्लड कैपिलरीज जब एक साथ जुड़ जाती है और मोटा पाइप फॉर्म करती है तो उनको हम बोलते हैं वेन्स। बट वेन्स क्या ट्रांसपोर्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। हमारे बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है वेन्स। और आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और वेन्स डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है हार्ट तक। क्या ये बात समझ में आई। There are different ways of transportation in multicellular and non-chordate animal. Generally, these animals do not have heart and blood vessels like humans. बहुत सारे non-chordate multicellular animals में क्या होता है, heart और blood vessel नहीं होता है जैसे हमारे शरीर में होता है। तो उनके इसमें blood कैसे transport होता है, blood in these animal is directly in contact with cell. And this is called open blood circulatory system. और उनके बॉडी का ब्लड जो है सेल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमेशा रहता है और ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ऑल कॉर्डेट एनिमल ब्लड इज पम्प बाय हार्ट एंड फ्लोज इन वेसल। जितने भी कॉर्डेट एनिमल्स है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इनके इसमें ब्लड पम्प होता है हार्ट के द्वारा और अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी कॉर्डेट एनिमल्स है उनमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जबकि नॉन कॉर्डेट एनिमल्स दो दे आर मल्टीसेलुलर, उनके इसमें क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वेन्स एंड आर्टरीज का अब डिफरेंस क्या होता है इसको हम समझते हैं। हमें पता है कि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। नाउ आर्टरीज, वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक, वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन। आर्टरीज की वॉल जो होती है, जो पाइप होता है वो कैसे थिक होता है, बट वेन्स का कैसे है, थिन होता है। क्योंकि ब्लड कैपिलरीज जो एकदम अपने बाल के एक बाल के जैसी रहती है, उतनी पतली ब्लड कैपिलरी जब ज्वाइन हो जाती है तब हमें वेन
एक वेन फॉर्म होती है, इसलिए वेन की वॉल कैसी रहेगी, डेफिनेटली थिन। आर्टरीज की वॉल कैसी रहती है, थिक। दीज आर नैरो फ्रॉम इनसाइड एंड दीज आर वाइडर, अंदर से वो मोटी दिखती है बट अंदर से वो कैसी होती है, आर्टरी नैरो होती है, जबकि वेन्स कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वाइडर होती है अंदर से। एंड ड्यू टू थिक वॉल दे डू नॉट कोलैप्स इवन इफ ब्लड इज नॉट प्रेजेंट। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये आर्टरीज थिक होने का है कि जब उसमें से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स नहीं होती है या वाइंड नहीं हो जाती है, क्योंकि उनकी वॉल्स कैसी होती है, थिक। बट वेंस का ये प्रॉब्लम है कि उनमें से यदि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो जाती है, एक दूसरे के साथ क्या होती है, वाइंड होती है। ये द ब्लड फ्लोज फास्ट एंड इन अ जर्की मैनर। आर्टरीज में हमेशा क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है और बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है। बट वेंस में जो अलग अलग ऑर्गन से वेंस ब्लड कलेक्ट कर रही है तो वो क्या है, स्लो और कांस्टेंट ब्लड फ्लो रहता है, इसलिए उसकी वॉल थिन रहने से भी काम हो जाता है। बट वॉल थिक है तभी वो इतना प्रेशर ब्लड का सह पाती है, इसलिए ब्लड फ्लोज हम बोल सकते हैं आर्टरीज में फास्ट या जर्की मैनर से होते हैं, इसीलिए आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है, तेजी से ब्लड फ्लो होता है विथ प्रेशर। नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू, एक्टिविटी 4, प्लेस अ मिडल एंड अ इंडेक्स फिंगर ऑफ यूअर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ यूअर लेफ्ट रिस्ट। आपके लेफ्ट हैंड के रिस्ट में, यहाँ डायग्राम में दिखाया है, वहाँ आपको मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों को रखना है। दिस थ्रोबिंग, आपको सब कुछ ऐसे थ्रोबिंग मूवमेंट्स वहाँ पे दिखेंगी, एंड दिस थ्रोबिंग को हम क्या बोलते हैं, पल्स। इट इज़ ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, और हमारी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से हमें वहाँ पे थ्रोबिंग महसूस होता है। हम क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन वन मिनट, एक मिनट में आपके कितने पल्स होते हैं उसको आप काउंट करेंगे। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट, आप अपने बीट एक मिनट में कितने आ रहे पल्स बीट उसको काउंट करोगे, और यदि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में जितने भी बीट्स होते हैं पल्स बीट उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट। रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैव अ पल्स रेट बिटवीन 72 and 80 बीट्स पर मिनट, जो इंसान रेस्ट कर रहा है उसका पल्स रेट कितना होता है, 72 to 80 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 72 बार या 80 बार वो पल्स बीट शो करता है। आप अपना पल्स बीट भी खुद चेक कर सकते हो, अपने क्लासमेट का भी कर सकते हो। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड फोर ऑफ योर क्लासमेट एंड कंपेयर द वैल्यूज। हार्ट इज, नाउ अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है कहाँ होता है, लेफ्ट साइड के चेस्ट कैविटी में, छाती के लेफ्ट साइड में ये हार्ट होता है। द साइज ऑफ हार्ट इज नियरली इक्वल टू द क्लोज फिस्ट, हमारी हाथ की मुट्ठी का जितना साइज होगा उतना ही हमारे हार्ट का होता है, बहुत छोटा होता है हमारा हार्ट। कितना साइज है इसका, नियरली इक्वल टू द क्लोज फिस्ट, यहाँ पे गलती से वो आर आ गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज़ फिस्ट, हाथ की मुट्ठी का जितना साइज है उतना ही हमारे हार्ट का होता है। ये हार्ट ना कवर होता है डबल मेम्ब्रेन से, इसके ऊपर दो लेयर परत रहती है और ये दोनों लेयर के बीच में, टू मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड होता है जो कि उस हमारी हार्ट को शॉक या एक्सीडेंट से बचाता है। कैसा है हमारा हार्ट, हाथ की मुट्ठी के जैसा उतना शेप है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है एंड इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन देयर इज अ लिक्विड विच एब्सॉर्ब शॉक एंड एक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट अवर हार्ट। द हार्ट इज, अब हम देखते हैं, द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल एंड वर्क कंटिन्यूअसली।
हमारे हार्ट किससे बना हुआ है? हार्ट में जो मसल्स होती है उनको क्या बोला जाता है? कार्डियक मसल्स। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट बाय मस्क्यूलर सेप्टम। और ये जो मसल्स, ये हार्ट जो है वो डिवाइड होता है टू पार्ट में। क्या होता है इसके बीच में? एक मस्क्यूलर सेप्टम। ईच पार्ट इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम में, यहाँ आपको दिख रहा है ये मस्क्यूलर सेप्टम। यहाँ पे इन्होंने नेम इज नॉट गिवन, बट द टू पार्ट ऑफ द हार्ट आर क्लियरली विजिबल। आपको दो हिस्से यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये आपका मस्क्यूलर सेप्टम। इसकी वजह से आपका हार्ट क्या हो गया? दो हिस्सों में बट गया। अब ये जो दो हिस्से है तो एक एक हिस्सा अगेन इट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, तो इन दो पार्ट को और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अपर टू पार्ट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ओरिकल। ये देखिए, ये आपका राइट ओरिकल और एक है लेफ्ट ओरिकल, अपर पार्ट, अपर टू पार्ट इसको बोला जाता है ओरिकल या फिर एट्रिया या एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम या एट्रिया प्लूरल, एंड द लोअर वंस एज वेंट्रिकल। और नीचे वाले दो हिस्सों को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। राइट पार्ट का है तो राइट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट पार्ट का है तो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। क्या ये बात समझ में आई? हार्ट हमारा टोटल चार हिस्सों में बंटता है। पहले दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए होता है बीच में एक मस्क्यूलर सेप्टम। अब ईच पार्ट इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, तो अपर टू पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल एंड राइट ओरिकल, और नीचे वाले दो पार्ट को, लोअर वन को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम लंग इज कलेक्टेड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इज सर्क्यूलेटेड टू ऑल बॉडी पार्ट थ्रू आर्टरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आ रहा है वो कहाँ कलेक्ट होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम लंग्स, लंग से आने वाला कहाँ कलेक्ट हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। डोंट गेट कन्फ्यूज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम लंग्स, लंग से आने वाला जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है? डेफिनेटली इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस ब्लड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ कलेक्ट हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इज सर्कुलेटेड टू ऑल बॉडी पार्ट थ्रू आर्टरीज। अब यहाँ से यहाँ वॉल्व भी होते हैं, इतना तो डिटेल आपको नहीं है, तो यहाँ से ब्लड पंप होके कहाँ जाएगा? लेफ्ट ओरिकल में, और वहाँ से वो आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है? टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। ये देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल से फिर ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है टू द ऑर्गन्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी इज कलेक्टेड इन एट्रियम थ्रू वेंस। ये लंग से थ्रू आ रहा है, वेंस से क्या कलेक्ट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितने भी वेंस है वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है इन द एट्रियम थ्रू वेंस एंड इज अगेन ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो आपके राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो कौन सा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जाएगा राइट ओरिकल, वहाँ से कहाँ जाएगा? वो लंग्स में। ये देखिए, यहाँ पे एरो से दिखाया है, दिस इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले तो राइट वेंट्रिकल में, देन राइट ओरिकल, एंड देन कहाँ से जाएगा? ये देखो, डिफरेंट ऑर्गन से ये जो ब्लड आ रहा है ये एंटर हो रहा है, और ये कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेशन के लिए वापस लंग्स में। तो राइट पार्ट जो है वो सारा क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में सेंड करता है, और लेफ्ट पार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाता है।
Now I have tick mark answers of the question. How many types of blood corpuscles are there? Write their function. I have already tick mark. This is the answer of your first question. If you have a textbook, you tick mark it and then write it. Then this is the answer of third question, which I have tick mark. Blood donation or blood transfusion. Then answer of what do you mean by open and closed circulatory system? I have also tick mark answer of second question. This is the answer of your second question. Open and closed from animals to closed circulatory system. Answer of second question. Third I have. Then fourth is arteries and veins ka difference pucha hai. Fourth answer I have tick mark. Then the last question is what do you understand by pulse rate? Ye answer hai aapke fifth question ka. Now you write down answers in your copy. Try to draw the diagram internal structure of heart. Thank you.